तो हेलो दोस्तों, अभी फाइनली हम लोग जो है सो पूरा करीब आ चुके हैं यहाँ से, जो कि इजाज़त नहीं है, फिर भी जो है सो अभी यहाँ पर कोई है नहीं तो हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पर, जो कि यहाँ पर जो है सो लिखा हुआ है कि यहाँ से आगे नहीं जा सकते, फिर भी हम लोग आ गए हैं और घूमे ये जगह। मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, मनी पैसा। फोटो ले सकते हैं यहाँ और आप नज़ारा देख सकते हैं, ये देखिए ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप ये देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये पत्थर पे चढ़ना मतलब कि मौत को बुला रहा है, मौत बुला रहा है, मगर फिर भी जमाल को मौत बुला, मौत को छू करके वो ओ तो बस तक फिर लो, क्या दिखा दिए हम आपको। तो चलिए नीचे जाते हैं, आप घूम लेते हैं रांची में, उंडरपुर में। हम बोले कि उधर मत जाओ, उधर बड़ा बड़ा पेड़ पौधे लगे हुए हैं और थोड़ा सा नल के जैसे पानी उधर गिरता है। अच्छा, तो उधर मत जाओ। क्या बोला तूने? थोड़ा सा नल के जैसे पानी उधर गिरता है। अच्छा, तो उधर मत जाओ। तो हेलो गाइस, हम लोग हुंडरू फॉल आ चुके हैं। हुंडरू क्या है नाम, तो देख लीजिए, पढ़ लीजिए आप। और हम लोग जो है सो बस अभी पहुँची गए हैं और वो देख रहे हैं भाई, वहाँ पर जो है सो टिकट काउंटर है, वहाँ पर नाम नंबर एड्रेस सब लिखाना पड़ता है और आपको एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं। वाव मछली, वाव, और मछली का जो बच्चा है वो वाव वाव वाव। और आप देख रहे हैं भाई यहाँ पर गन्ने का जूस, जो कि बस अभी दुकान लगाया हुआ है, अभी हम मांगेंगे तो नहीं देगा, कहे कि अभी ये लगाया है। और मुर्गी को बांधा हुआ है यहाँ पर। और गाइस आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे, आपको सब दिखाएंगे। अच्छा, जो चीज़ नहीं देखा है मैंने, आपको वो चीज़ दिखाना है। आप नींबू देख सकते हैं और गिलास में भी है और थरिया भी रखा हुआ है, सब है यहाँ पर, जो है सो कोई दिक्कत नहीं है। टिकट यहाँ पर चेक किया जा रहा है भाई लोग से, टिकट लेके अंदर प्रवेश करना बहुत जरूरी है, टिकट नहीं रहेगा तो लात मार के भगा सकता है। तो गेट नंबर 2 से हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, क्या है हुंडरू फॉल जांच केंद्र। भाई अभी हम जो है सो बराबर यहाँ पर पढ़ पाए कि ये हुंडरू फॉल है कि उंडरू फॉल है, तो हम ये है ना ज्योमेट्री बॉक्स है। ओह माय गॉड, यस यस, ये ओह वाओ, वेरी गुड, मैथमेटिक्स, या इससे ना इसको इधर लगाने का, इधर ना लिपस्टिक रखना, नाड़ा, इसका नाड़ा है, इधर लिपस्टिक रखने, जी जी, और कान के बाली की झुमकी, जी झुमकी की झुमकी, नहीं नहीं बड़ा साइज नहीं आएगा इसीलिए झुमकी, छोटा है ना इसलिए झुमकी। तो गाइस अभी यहाँ पर हम लोग देख लिए हैं, लेना कुछ नहीं है हम लोग को, बस खाली जुट्ठो के टाइम पास जैसे होना चाहिए ना भाई, इतना दूर से आए हैं तो फालतू का टाइम पास होना चाहिए। तो अब मिल गया रास्ते में तो देख लिए। अब देखिए जो है हम लोग सीढ़ी से उतर रहे हैं, अभी बहुत नीचे है, ये बांस है, यहाँ पर झाटी हुआ करता था पहले, तो झाटी हटा करके अभी बांस का खूंटा दिया गया है। और भी दिखाते हैं कि ये बहुत ही ऊपर है आपको, हम तो सिर्फ अभी 1 मिनट का रास्ता तय किए, अभी यहाँ से कमो बेश हमको जो है सो आधा घंटा नीचे लगेगा जाने में। तो आगे हम आपको फिर और दिखाते हैं, आप देख सकते हैं मेरे भाई ये पूरा जंगल है, पूरा जंगल है, और ये काफ़ी बरसों पुराना है ये चीज़। रोड दिखा रहा है मेरे भाई, रोड दिखा रहा है यहाँ पर, भाई लोग बताएंगे आगे रोड दिख रहा है। तो आपको दिखा रहे हैं कि देखिए आप कितना मस्त मस्त यहाँ पर जो है सब लकड़ी का बनाया हुआ है, सब बांस का है, मच्छी है, मछली, क्रोकोडाइज, एक की बोलो जिन्हें इंग्लिश में क्रोकोडाइज वो है। और इधर है दाल घोटनी है, चट्टू है, सब है। गेट खुलने का समय 8 बजे से शाम 4 बजे तक। अच्छा, यहाँ पर जो है सो नोटिफिकेशन दिया हुआ है भाई कि आप कब से अंदर आ सकते हैं, कब तक यहाँ से जा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सब लोग अपना नाम लिख के गए हैं, जो कि बिल्कुल बेतुका वाला बात है, ये क्या जरूरी है भाई। अपना नीचे तो भाई दुकान भी है और सब कुछ अवेलेबल, आप चाय नाश्ता सब कर सकते हैं यहाँ पर, ठंडा भी अवेलेबल है। बताइए लाइट का भी
इंतजाम है यहाँ पर, अब कैसे लाइट यहाँ पर लाया गया है ये बताना मुश्किल है। तार तो दिख रहा है, दिखाएंगे जी। तो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल रहा। बम्बई से चल के आए हैं हम जी। ठीक जी, हाँ बोलिए। लेकिन घर जाने का था हमको, लेकिन कुछ दोस्त है जो सनाउल है, नियाज है, जमाल है, सजाद है, थोड़ा जब इधर आया तो चलो थोड़ा घूम लेते हैं रांची में, हुंडरपुर में। तो हम बोले कि मत उधर मत जाओ, से उधर बड़ा बड़ा पेड़ पौधे लगे हुए है और थोड़ा सा नल के जैसा पानी उधर गिरता है। तो मुझे उधर मत जाओ, डैड घर चलो, हम लोग थके हुए हैं। तो ये लोग जबरदस्ती करने लगे, नहीं जाके घूमना है तो घूमना है, मतलब ठीक है भाई घूमना है तो चलो, हमको क्या मतलब है। बिल्कुल, बस मैं इतने बात इतना, इतना कहना था। हा? आप बता दीजिए कि जे बता दीजिए कि मतलब बात खत्म हो गया। लाइफ इज लिटिल, सो निकले अपने घरों से और घूमे ये जगह। मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, मनी पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है। वाह क्या सीन है। तो हेलो गाइस, ओह माय गॉड, ये देख रहे हैं आप, ये क्या खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ आने के बाद से बिल्कुल दिल गार्डन गार्डन हो गया है। आपको मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता कि यहाँ का नज़ारा क्या है, कितना खूबसूरत है। देख रहे हैं आप, ये पूरा बड़ा बड़ा पत्थर है, आपको इसके बीच से जो है निकलना पड़ेगा। और ये तो भाई साहब बिल्कुल दिल जीतने वाला चीज़ है। यही पूरा पहाड़ से जो है सो झरना गिर रहा है ऊपर से, ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। आप इधर आएंगे तो दिल खुश हो जाएगा आपका, क्योंकि इधर का नज़ारा ही ऐसा। ये देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये पत्थर पे चढ़ना मतलब कि मौत को बुला रहा है, मौत बुला रहा है, मगर फिर भी जमाल को मौत बुला, मौत को छू करके टक से वापस आ सकते हैं। ये देख रहे हैं, ये वही हाल है इनका। और भाई हम लोग जो है सो ये सब तो हम लोग का भाई गांव का ये कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, क्योंकि हम लोग का गांव में भी है ये सब, तो हम लोग को ऐसा उतना डर नहीं है भाई। जो सो बीच में फंस गया था, मगर उसने मदद करके उनको बुला लिया। पर अच्छा है, अच्छा लग रहा है। अभी हमको भी जाना है ऊपर यहाँ से। और ये भाई साहब देख रहे हैं यहीं से उनका डर बैठ गया कि भाई वहाँ पर नहीं जा सकते। इस वो बस हम लोग नीचे पहुँच ही गए हैं और यहाँ का नज़ारा आप देख करके मतलब जो है सो आप हैरान हो जाएंगे। तो हाँ, यहाँ से फ़ोटो ले सकते हैं, फ़ोटो ले सकते हैं और आप नज़ारा देख सकते हैं। ओ माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये देख रहे हैं आप, सेल्फी पॉइंट यहाँ बनाया गया है, आप यहाँ पर बैठ करके जो है सो फोटो निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि झरने के आसपास स्नान करना सख्त मना है, ये भी सही है, सेफ्टी का भी ध्यान रखना है यहाँ पर आकर के। और ये देख रहे हैं आप, पूरा पहाड़ी इलाका झरना बह रहा है यहाँ पर, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है भैया। उधर से चल सकते हो, और यहाँ पर बैरियर दिया हुआ है कि इससे आगे आप नहीं जा सकते। ये बोट भी लगा हुआ है। हेलो दोस्तों, तो अभी जो है सो नीचे पूरा हम लोग आ गए हैं और देखिए वाटरफॉल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, जो कि एकदम लास्ट आ गए हम लोग यहाँ पर, यहाँ पे आगे जा नहीं सकते। ये बहुत अच्छा, ये देख रहे हैं ये पानी जो गिर रहा है उसका वो जो सपना में वो पूरा उधर आ रहा है, जिसकी वजह से और भी खूबसूरत लग रहा है यहाँ का, और अच्छा लग रहा है। आप लोग कभी भी आएंगे यहाँ तो ज़रूर यहाँ घूमिए, क्योंकि ये घूमने का ही जगह है समझिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है।